Hello all of you. Today we see the application of automation. So first application is on electrical distribution. So see the first point. In electrical distribution, an automation system used to remotely monitor or coordinate and operate distribution component in real time. ये जो electrical distribution है इसमें क्या automation system हम लोग use कर सकते हैं फॉर रिमोटली मॉनिटर कोऑर्डिनेट एंड ऑपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सॉरी कंपोनेंट इन रियल टाइम. ओके देन सी द नेक्स्ट पॉइंट. इन दिस सिस्टम फीडर कैन बी ऑटोमाइज्ड फॉर डिमांड साइड मैनेजमेंट कॉमा लोड चेक कॉमा सेफ्टी चेक कॉमा रिमोट स्विच कंट्रोल कॉमा फॉल्टी लोकेशन एंड आइसोलेशन. ओके अभी इसमें जो सिस्टम्स आते हैं वो रहते हैं जैसे कि सेफ्टी चेक जो सिस्टम रहेगी, रिमोट स्विच कंट्रोल सिस्टम रहेगी या फिर फॉल्ट लोकेशन सिस्टम रहेगी. ओके सो ये सब इसमें आते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. देन सी द नेक्स्ट पॉइंट. ऑटोमेशन फॉर द कस्टमर इज पॉसिबल इन रिमोट मीटरिंग कॉमा लोड कंट्रोल कॉमा लोड शेडिंग कॉमा इकोनॉमिक ऑपरेशन कॉमा रिमोट कनेक्ट और डिसकनेक्ट और ट्रबल कॉल. ओके सो ये सब जो है ऑटोमेशन हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कस्टमर के लिए. जैसे कि लोड कंट्रोल सिस्टम रहेगी या फिर लोड शेडिंग रहेगा या फिर रिमोट कनेक्ट और डिसकनेक्ट जो भी कस्टमर के यहाँ पे हम लोग मीन्स जो भी ऑटोमेशन कस्टमर के लिए रहता है पॉसिबल होता है वो सब हम लोग इसमें करते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेशन होता है. देन सी द लास्ट पॉइंट. ऑटोमेशन इन दिस फील्ड विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है जो भी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है ये फील्ड में. ओके सो उसके वजह से क्या है सभी जो सिस्टम्स है ऑटोमेटिकली जो है ऑटोमेशन में यूज़ कर रहे हैं हम लोग. सो इसके वजह से जो है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. सो सी द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज़ इन रेलवेज. सो सी द फर्स्ट पॉइंट. For signaling purpose, automation is required. Second, proper signaling minimize the chance of accident. Yes, अगर proper signaling रहा तो क्या होगा accident के chance कम हो जाएंगे. और signaling अगर automation में यहाँ पे जो है railway में अगर रहा signaling automation के base के ऊपर तो क्या होगा एक्सीडेंट के चांस कम हो जाएंगे. थर्ड देखिए ऑटोमेटिक ट्रैक चेंज. ऑटोमेशन की वजह से क्या होता है ऑटोमेटिक हम लोग ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं रेलवे का. फोर्थ है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स फॉर हाई एंड रेलवेज. ओके ऑटोमेशन की वजह से क्या हो रहा है जो भी डोर्स है रेलवे के वो क्या होते हैं ऑटोमेटिकली ओपन एंड क्लोज होते हैं. देन सेकेंड सॉरी फिफ्थ वन फॉर अ कम्युनिकेशन बिटवीन रेलवेज एंड स्टेशन. ऑटोमेशन की वजह से जो भी रेलवे एंड स्टेशन के बीच में का जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से होता है. देन सिक्स्थ ऑनलाइन बुकिंग हेल्प्स द पीपल टू बुक एनी टिकट्स फ्रॉम एनीवेयर. और ऑटोमेशन के इससे क्या हो गया है जो भी ऑनलाइन हम लोग बुकिंग कर रहे हैं उसके वजह से क्या हो रहा है पीपल कहाँ से भी मीन्स लोग जो है कहाँ से भी टिकट्स जो है वो बुक कर सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग के हेल्प से. देन सी द नेक्स्ट दैट इज इन एरोस्पेस. सो सी द फर्स्ट पॉइंट for the communication between airport and aircraft. Airport और aircraft के बीच में जो communication है वो possible होता है automation की वजह से. Second है to diagnosis any faults in the system to prevent the
एक्सीडेंट, ओके, जो भी सिस्टम है उसमें अगर कोई भी फॉल्ट हुआ तो ऑटोमेशन क्या करता है, डायग्नोज करता है, मीन्स उसको ढूंढ के वो ठीक करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो भी एक्सीडेंट हो मीन्स होगा, अगर उसको वो फॉल्ट को अगर क्या हम लोगों ने अगर ठीक नहीं किया तो एक्सीडेंट होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये जो ऑटोमेशन अगर हम लोग इसमें यूज़ करेंगे तो वो फॉल्ट हम लोग अर्ली फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं और एक्सीडेंट भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, देन सी द थर्ड, टू ऑब्जर्व द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। अभी इसमें हम लोग जो है चेंज पे ऑब्जर्व कर सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के। देन फोर्थ, टू प्रोवाइड सेफ्टी फॉर पैसेंजर्स, हम लोग पैसेंजर्स को सेफ्टी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, देन फिफ्थ, फॉर लोडिंग कॉमा अनलोडिंग कॉमा स्कैनिंग ऑफ डिफरेंट गुड्स बैगिंग एक्सेट्रा फॉर द पैसेंजर। ओके, सो इसमें हम लोग जो है स्कैनिंग ऑफ डिफरेंट गुड्स या फिर बैग एक्सेट्रा जो पैसेंजर्स रहते हैं उसमें हम लोग स्कैनिंग कर सकते हैं। देन सिक्स वन, टू प्रोवाइड द ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द एयरक्राफ्ट। अभी हम लोग जो है ऑटोमेशन के हेल्प से एयरक्राफ्ट का जो इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेवन्थ, टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इन अ बैड एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, मीन्स अगर बैड एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी रहेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट को अच्छे से ऑपरेट या फिर कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। देन सी द नेक्स्ट, दैट इज़ इन ऑटोमोबाइल। सो सी द एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल, फर्स्ट फॉर मूविंग व्हीकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मीन्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक व्हीकल को वन प्लेस टू अदर प्लेस क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन। देन सेकेंड, टू कंट्रोल द प्रोडक्शन लाइन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन लाइन जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वो भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड, ऑटोमेटिकली प्लेसिंग एंड फिटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स, जो व्हीकल्स के वेरियस मीन्स अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं उसको हम लोग ऑटोमेटिकली जो है प्लेस कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। ओके, देन फोर्थ वन, ऑटोमेटिकली एडजस्ट द कलर कॉम्बिनेशन एंड पेंटिंग द व्हीकल्स। अभी व्हीकल्स को हम लोग ऑटोमेटिकली कलर या फिर पेंट भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन टेक्निक। फिफ्थ वन, इन बिग व्हीकल्स द ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द वेरियस पैरामीटर्स लाइक फ्यूल कॉमा प्रेशर कॉमा टेम्परेचर। ओके, जो भी ऑटो जो भी बड़े व्हीकल्स रहेंगे ऑटोमेशन के लिए, ओके, वहाँ पे आपको क्या लगते हैं, रिक्वायर टू कंट्रोल द वेरियस पैरामीटर्स, वहाँ पे आपको वेरियस पैरामीटर्स लगेंगे जैसे कि फ्यूल है, प्रेशर है या फिर टेम्परेचर से। ओके, देन सिक्स्थ वन, फॉर सेंट्रल लॉकिंग कॉमा पावर स्ट्रिंग कॉमा पावर ब्रेक कॉमा पावर विंडोज कॉमा इन बिग व्हीकल्स। ओके, ये सब एप्लीकेशन हो गए ऑटोमोबाइल के। देन सी इन द टेलीकॉम, द फर्स्ट वन इट इज, ऑटोमेशन इज वाइडली यूज्ड इन टेलीकॉम इंडस्ट्री टू प्रोवाइड अ डिफरेंट सर्विस टू द लैंडलाइन एंड मोबाइल सब्सक्राइबर। ऑटोमेशन के इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करेगा लैंडलाइन और मोबाइल सब्सक्राइबर को। देन सेकेंड, टू ऑटोमेटिकली चेंज फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनादर। ऑटोमेशन के इससे क्या हो रहा है, हम लोग एक नेटवर्क से अनादर नेटवर्क में इजीली चेंज कर सकते हैं। थर्ड, टू चेंज फ्रॉम होम नेटवर्क टू रोमिंग नेटवर्क। देन फोर्थ, इन टेलीफोन एक्सचेंज टू ट्रांसफर कॉल फ्रॉम वन लाइन टू अनादर लाइन। ओके, हम लोग कॉल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ही लाइन से
अदर लाइन में ये किसके वजह से पॉसिबल हो रहा है, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन. देन फिफ्थ वन, टू प्रोवाइड द सर्विस लाइक इंटरनेट ऑन मोबाइल एंड थ्रू टेलीफोन लाइन. यहाँ पे हम लोग इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन मोबाइल एंड थ्रू टेलीफोन लाइन से भी. देन सिक्स्थ वन, टू हैंडल नंबर ऑफ लाइन्स एट द एक्सचेंज बिटवीन नंबर ऑफ लाइन्स एट द एक्सचेंज. ओके, यहाँ पे हम लोग जो है नंबर ऑफ लाइन्स जो है एक्सचेंज हैंडल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन. सेवन वन, टू प्रोवाइड द सर्विस लाइक कॉल कॉन्फ्रेंसिंग बिटवीन ग्रेटर दैन वन सब्सक्राइबर और यूजर्स. हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंसिंग भी ले सकते हैं एक से ज़्यादा. देन एट, रिमोटली कंट्रोल द डिवाइसेस थ्रू टेलीफोन लाइन और थ्रू SMS. मीन्स हम लोग जो है डिवाइसेस जो है रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू टेलीफोन लाइन और थ्रू SMS के. इससे ये सभी पॉसिबल हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन. देन नेक्स्ट वी सी द रोबोटिक्स. व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस? फर्स्ट वन, जनरली रोबोटिक सिस्टम आर बेस्ड ऑन ऑटोमेशन. ऑटोमेशन इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स. ये जो रोबोटिक सिस्टम है ये बेसिकली डिपेंड्स होते हैं ऑटोमेशन के ऊपर. और यहाँ पे हम लोग रोबोटिक्स फील्ड्स में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटोमेशन ही यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड है, रोबोट्स आर मेजरली यूज्ड इन क्रिटिकल ऑपरेशन लाइक वेल्डिंग ऑपरेशन. ह्यूमन बींग कैन नॉट डू दिस ऑपरेशन कंटिन्यूसली, सो ऑटोमेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर रोबोट टू डू दिस टाइप ऑफ क्रिटिकल ऑपरेशन. मीन्स अगर क्रिटिकल ऑपरेशन है तो उसके लिए हम लोग ज़्यादातर रोबोट्स यूज़ करते हैं. और उसके वजह से रोबोट्स को अगर आपको बनाना है तो ऑटोमेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट. देन थर्ड, ऑटोमेशन इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द मोशन कॉमा डायरेक्शन ऑफ आर्म्स ऑफ रोबोट. ओके, ऑटोमेशन जो है इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल मोशन. मीन्स ऑटोमेशन क्या करता है, मोशन को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है, जो कि रोबोट्स के लिए लगते ही हैं. ओके, देन सी द फोर्थ वन, फॉर पिक एंड प्लेस रोबोट इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंट्रोल ग्रिपर ऑफ द रोबोट्स. मीन्स अगर आपको रोबोट को पिक एंड प्लेस ऑपरेशन अप्लाई करना है, उसके लिए आपको कंट्रोल ग्रिपर ऑफ द रोबोट्स लगता है. फिफ्थ वन, सम रोबोट्स आर यूज टू कन्वे द मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फॉर सच रोबोट्स ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन कॉमा स्पीड एंड टू सेंस द पोजिशन ऑफ द रोबोट्स. ओके, जो कुछ कुछ रोबोट्स रहते हैं उसके लिए हम लोग मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं. कन्वे द मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फॉर सच रोबोट्स ऑटोमेशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है, इस तरह के जो रोबोट्स हैं उसके लिए आपको उसकी जो डायरेक्शन है वो कंट्रोल होनी चाहिए, स्पीड भी कंट्रोल होना चाहिए, पोजिशन भी उसको जो है सेंस करना चाहिए. देन सिक्स्थ वन, यूजिंग ऑटोमेशन वी कैन रिमोटली असिस्ट द रोबोट यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी. मीन्स हम लोग ऑटोमेशन के हेल्प से क्या कर सकते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी का हेल्प करके रिमोटली बेस्ड रोबोट भी हम लोग बना सकते हैं. सेवन, ऑटोमेशन विल रिड्यूस द चेंजेस ऑफ एक्सीडेंट इन रोबोटिक सिस्टम यूजिंग सम इंटरलॉक्स. मीन्स ऑटोमेशन की इससे क्या हो रहा है, अगर कुछ भी एक्सीडेंट के जो चांसेस है वो कम हो रहे हैं. ओके, इन दिस वे दिस इज़ द डिफरेंट एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेशन. सो थैंक यू.